हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुड मॉडल के बारे में। इससे पहले भी हम बहुत सारे मॉडल्स जैसे कैन, कुड, विल बी एबल टू के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप लोग अपने आप को मॉडल्स में कंफ्यूज्ड पाते हैं, आपको समझ नहीं आता है कि कौन सी जगह पर किस मॉडल का यूज करना है, और अगर आप सभी तरह के मॉडल्स के यूजेस सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में उनके सेंटेंस फ्लुएंटली बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरु जी। आइए दोस्तों, अब शुड को समझना शुरू करते हैं, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है ना नी ने आकर चाहिए। अगर हिंदी वाले सेंटेंस में ना नी ने आकर चाहिए इस तरह के वर्ड्स लास्ट में आते हैं, तो उनसे जो सेंटेंस बनेगा वो सभी सेंटेंस शुड में बनेंगे। दोस्तों अगर हम इनके हिंदी सेंटेंसेस की बात करें तो हिंदी सेंटेंसेस होंगे जैसे, मुझे आपको समझाना चाहिए, आपको मेरी बात सुननी चाहिए, हमें गाना गाना चाहिए, राम को रावण को मारना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें पैसा कमाना चाहिए, हमें सोच समझ कर पैसा खर्च करना चाहिए, नौकर को कमरा साफ करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तुम्हें एग्जाम में पास होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहिए, मुझे पैसे सेव करना चाहिए, मुझे छत पर चढ़ना चाहिए, मुझे उसे पीटना चाहिए, आपको स्टेज पर आना चाहिए, स्टूडेंट्स को इंग्लिश पर कमांड करना चाहिए। तो आपने जो ये सेंटेंस सुने, ये सभी सेंटेंस शुड में आते हैं। दोस्तों ये जो शुड है ना, ये ऑर्डर और एडवाइस दो तरह की चीजों को दर्शाते हैं। अगर हमें किसी को आदेश देना हो तो हम शुड का यूज कर सकते हैं, किसी को एडवाइस देना हो तो हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, मतलब इट इज माई एडवाइस फॉर यू। जैसे मैंने कहा तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने चाहिए क्योंकि तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो आगे तुम्हें उसके बेस पर एग्जाम्स फाइट कर सकते हो, अच्छा कॉलेज तुम्हें मिल सकता है, मतलब तुम्हें अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, मतलब ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स को इंग्लिश पर कमांड करना चाहिए क्योंकि इंग्लिश बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है, बहुत इंटरनेशनल लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होने के कारण मैंने स्टूडेंट्स को एडवाइस किया कि तुम्हें इंग्लिश पर कमांड करना चाहिए। टीचर को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, मतलब मैंने किसी टीचर से या पूरे टीचर्स स्टाफ से रिक्वेस्ट की कि टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो अगर ईमानदारी से पढ़ाएंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से सीख पाएंगे। मतलब ये जो मैंने सलाह दी वो सब शुड में आएंगे। और अगर आदेश की बात करूं तो आदेश में भी सेम ऐसे ही सेंटेंस आएंगे लेकिन टोन बदल जाएगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टूडेंट से किसी से कहा तुम्हें यहां ढंग से बैठना चाहिए, तुम्हें अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम्हें गाना गाना चाहिए, मतलब ऑर्डर, तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, बस टोन बदल जाएगी तो वो सेंटेंस शुड में बन जाएंगे। अगर हम पोलाइटली कहते हैं तो वो सलाह होती है, अगर हम स्ट्रिक्टली कहते हैं तो वो आदेश होता है। जैसे मैंने किसी से कहा तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, मतलब ये मेरी एडवाइस है उसके लिए, पर किसी से कहा तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए तो ये ऑर्डर हो जाता है, मतलब टोन बदलने से वही चीज ऑर्डर में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों अब हम समझना शुरू करते हैं कि इसमें सभी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न में हिंदी सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, पहले ऐसे समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अफर्मेटिव की, जिसमें हिंदी सेंटेंसेस होंगे शूट के लिए, मुझे बाजार जाना चाहिए, आपको यहां आना चाहिए, सचिन को क्रिकेट खेलना चाहिए, विराट कोहली को पाकिस्तान को हराना चाहिए, मुझे फैन रिपेयर करना चाहिए, आपको क्लास मैनेज करना चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग शुड मॉडल को नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाए, देन अगर उसके नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होंगे हिंदी में, जैसे मुझे यहां नहीं आना चाहिए, आपको मुझसे बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई नहीं करना चाहिए, मुझे फ्यूचर पर फोकस नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर हम शुड के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए हिंदी में तो क्या होंगे, जैसे क्या उसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या टीचर को जवाब देना चाहिए, क्या टीचर्स को ईमानदारी के साथ पढ़ाना चाहिए, क्या तुम्हें पास होना चाहिए, क्या स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स लाने चाहिए। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम WH पैटर्न में बनाए और वो भी खासकर क्यों से, वाई से, तो सेंटेंसेस हिंदी में कैसे होंगे, जैसे तुम्हें यहां क्यों आना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, राम को रावण को क्यों मारना चाहिए, तुम्हें एग्जाम में पास क्यों होना चाहिए, तुम्हें उसे क्यों पीटना चाहिए। और अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो इसके हिंदी सेंटेंसेस होंगे किसे यहां आना चाहिए, किसे मुझसे बात करनी चाहिए, किसे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, किसे ईमानदारी के साथ बात करना चाहिए, किसे बगीचे से फूल तोड़ना चाहिए। अगर एक सेंटेंस को हम सभी में कन्वर्ट करें हिंदी में तो कैसे होंगे, जैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए, टीचर को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या टीचर को पढ़ाना चाहिए,
टीचर को क्यों पढ़ाना चाहिए और किसे पढ़ाना चाहिए, मुझे गाना गाना चाहिए, मुझे गाना नहीं गाना चाहिए, क्या मुझे गाना गाना चाहिए, मुझे गाना क्यों गाना चाहिए और किसे गाना गाना चाहिए, आपको यहाँ आना चाहिए, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या आपको यहाँ आना चाहिए, आपको यहाँ क्यों आना चाहिए, किसे यहाँ आना चाहिए, हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए, हमें कंप्यूटर ऑपरेट नहीं करना चाहिए, क्या हमें कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए, हमें कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करना चाहिए और किसे कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए। दोस्तों ये तो हुई हिंदी की बात, अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेंटेंसेस की। तो इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग कैसे होगी, आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट आए लगेगा शुड ही, ठीक है। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी शुड के बाद नॉट लगा हुआ है नहीं वाले सेंटेंस बनाने के लिए। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसके लिए शुड आगे आया हुआ है, सब्जेक्ट पीछे गया हुआ है, मतलब दोनों ने अपनी जगह को बदल लिया है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा। अगर हम डब्ल्यू एच पैटर्न की बात करें तो जो हमारा इंट्रोगेटिव पैटर्न बना हुआ है, ये पूरा इंट्रोगेटिव पैटर्न यहां से उठाकर यहां रख दिया गया है और इस इंट्रोगेटिव पैटर्न के आगे डब्ल्यू एच वर्ड वाई जोड़ देंगे तो क्यू से क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर हम हु पैटर्न की बात करें तो हु पैटर्न देखिए, जो ये पहला वाला पैटर्न है इसी में हम लोगों ने सब्जेक्ट की जगह हु रख दिया और बाकी पूरा का पूरा पैटर्न वैसा का वैसा रख दिया। दोस्तों समझने की कोशिश करना, जैसे मुझे बाजार जाना चाहिए, अगर मैं अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, मुझे मतलब आई शुड जाना चाहिए गो टू मार्केट, आई शुड गो टू मार्केट, राम को गाना गाना चाहिए, राम शुड सिंग अ सॉन्ग, उन्हें डांस करना चाहिए, उन्हें मतलब दे शुड डांस, मुझे आपको इग्नोर करना चाहिए, आई शुड इग्नोर यू, तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, यू शुड स्टडी प्रॉपरली, राम को रावण को मारना चाहिए, राम शुड किल रावण, रावण को राम का सामना करना चाहिए, रावण शुड फेस टू राम, राम को रावण के साथ समझौता करना चाहिए, सो राम शुड कॉम्प्रोमाइज, मतलब समझौता करना, तो राम शुड कॉम्प्रोमाइज विथ रावण, जैसे तुम्हें पैसे चुराने चाहिए, यू शुड स्टील मनी, मुझे पैसे खर्च करना चाहिए, आई शुड स्पेंड मनी, मुझे पैसे कमाने चाहिए, सो आई शुड अर्न मनी, हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, सो हमें मतलब वी, वी के साथ लगेगा शुड, सो वी शुड सेलिब्रेट बर्थडे, उन्हें गिफ्ट देना चाहिए, दे शुड गिफ्ट, गिफ्ट भी एक वर्ब है। अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंसेस कैसे होंगे इंग्लिश में, तुम्हें मोबाइल यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट यूज मोबाइल, मुझे नया मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, मुझे मतलब आई शुड नॉट परचेस न्यू मोबाइल, परचेस मतलब खरीदना, सो आई शुड नॉट परचेस न्यू मोबाइल, राधा को सब्जियां नहीं बेचना चाहिए, सो राधा शुड नॉट सेल वेजिटेबल, तुम्हें मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, तुम्हें मतलब यू शुड नॉट कमेंट मुझे, सो मी, सो यू शुड नॉट कमेंट मी, राम को लेटर नहीं लिखना चाहिए, राम शुड नॉट राइट अ लेटर। दोस्तों अगर इसका हम लोगों को इंट्रोगेटिव पैटर्न बनाना तो क्या करेंगे, शुड आगे सब्जेक्ट पीछे, जैसे क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, शुड आई गो टू मार्केट, क्या माली को फूल तोड़ना चाहिए, शुड गार्डनर प्लक फ्लावर, क्या तुम्हें यहां कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, शुड यू ज्वाइन कोचिंग हियर, क्या मुझे वहां पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या मुझे शुड आई पैसे इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट मनी वहां मतलब देयर, शुड आई इन्वेस्ट मनी देयर, क्या राम को पिकनिक पर जाना चाहिए, शुड राम गो फॉर पिकनिक, क्या तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए, तो क्या तुम्हें शुड यू सेलिब्रेट बर्थडे। तो दोस्तों अगर हमको चौथा बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो हम लोगों ने तीसरा बनाया हुआ है ना, ये तीसरा सेम चौथे में रख देंगे, उसके आगे डब्ल्यू एच वर्ड कोई भी जोड़ देंगे, हमें यहां पर जोड़ना है अभी वाई, जैसे क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए, पहले हम तीसरा बनाएंगे और फिर उसके बाद चौथा बनाएंगे, क्या तुम्हें बाजार जाना चाहिए, शुड यू गो टू मार्केट, तुम्हें बाजार क्यों जाना चाहिए, सो वाई शुड यू गो टू मार्केट, क्या राम को डांस करना चाहिए, शुड राम डांस, राम को डांस क्यों करना चाहिए, वाई शुड राम डांस, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, शुड यू लर्न इंग्लिश,
तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए? Why should you learn English? क्या हमें भगवान की पूजा करना चाहिए? Should we worship God? हमें भगवान की पूजा क्यों करना चाहिए? Why should we worship God? क्या उन्हें लेटर लिखना चाहिए? Should they write a letter? उन्हें लेटर क्यों लिखना चाहिए? Why should they write a letter? क्या संकेत को मैसेज भेजना चाहिए? Should संकेत send message? संकेत को मैसेज सेंड क्यों करना चाहिए? So why should संकेत send message? क्या राम को कंप्यूटर ऑपरेट करना चाहिए? Should राम ऑपरेट कंप्यूटर? राम को कंप्यूटर ऑपरेट क्यों करना चाहिए? Why should राम ऑपरेट कंप्यूटर? अगर लास्ट पैटर्न बनाना तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? कौन यहां, किसे यहां आना चाहिए? Who should come here? किसे सेंटेंस बनाना चाहिए? Who should make sentence? किसे सेंटेंस ट्रांसलेट करना चाहिए? Who should translate sentence? किसे लेटर लिखना चाहिए? Who should write a letter? किसे मैसेज भेजना चाहिए? Who should send message? किसे कमरा साफ करना चाहिए? Who should clean the room? किसे कमरे में झाड़ू लगाना चाहिए? Who should झाड़ू लगाना मतलब sweep. So who should sweep in the room? किसे एडमिशन लेना चाहिए? Who should लेना मतलब take और admission. Who should take admission? अगर दोस्तों हमें एक ही सेंटेंस को पांचों में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? Just for example, तुम्हें यहां आना चाहिए. You should come here. तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए. You should not come here. क्या तुम्हें यहां आना चाहिए? Should you come here? तुम्हें यहां क्यों आना चाहिए? Why should you come here? और किसे आना चाहिए? Who should come here? मुझे आपको पढ़ाना चाहिए. I should teach you. मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए. I should not teach you. क्या मुझे आपको पढ़ाना चाहिए? Should I teach you? मुझे आपको क्यों पढ़ाना चाहिए? Why should I teach you? किसे आपको पढ़ाना चाहिए? Who should teach you? राम को पैसा कमाना चाहिए. Ram should earn money. राम को पैसा नहीं कमाना चाहिए. Ram should not earn money. क्या राम को पैसा कमाना चाहिए? Should Ram earn money? राम को पैसा क्यों कमाना चाहिए? Why should Ram earn money? किसे पैसा कमाना चाहिए? Who should earn money? तुम्हें पेड़ काटना चाहिए. You should cut tree. तुम्हें पेड़ नहीं काटना चाहिए. You should not cut tree. क्या तुम्हें पेड़ काटना चाहिए? Should you cut tree? तुम्हें पेड़ क्यों काटना चाहिए? Why should you cut tree? किसे पेड़ काटना चाहिए? So who should cut tree? मुझे क्लास मैनेज करना चाहिए. I should manage class. मुझे क्लास मैनेज नहीं करना चाहिए. I should not manage class. क्या मुझे क्लास मैनेज करना चाहिए? Should I manage class? मुझे क्लास मैनेज क्यों करना चाहिए? Why should I manage class? किसे क्लास मैनेज करना चाहिए? Who should manage class? तो दोस्तों ये रहा हमारा should मॉड्यूल. मैंने पूरी कोशिश की कि इसको आपको बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाने की कोशिश करूं और मैं समझा भी पाया. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये शुड मॉडल बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. दोस्तों इसके बाद भी अगर कुछ कमियां रह गई हो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मुझे बताने की कोशिश कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप कहां पर कमजोर होते हैं, आपको कहां समझ नहीं आती, ताकि वो चीजें मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में क्लैरिफाई कर सकूं. तो दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को और इसके वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों को इन वीडियोस की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है. तो इसे अपने फेसबुक पेज पर या फेसबुक पर, देन उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस पे और साथ ही अलग अलग जो भी सोर्सेस हैं मीडिया के उस पर शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, है ना. सो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड.